नमस्कार दोस्तों, ड्रग वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय नक्षत्र, तिथि और वार के अनुसार नामकरण किया जाता है। व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसकी राशि तय की जाती है। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राशि के अनुसार ही व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। ज्योतिष में 3 राशियों को बेहद ही भाग्यशाली माना गया है। इन राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। महादेव की कृपा से ये लोग मुश्किल समय को भी आसानी से पार कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वे प्रभावशाली राशियां हैं। मेष राशि। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि के लोग महादेव को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस राशि के जातकों का भाग्य साथ देता है, इसलिए ये लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में तरक्की प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने जीवन में कम परिश्रम में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस राशि के जातकों को प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि को लोग भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, क्योंकि इस राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से शनि देव प्रसन्न रहते हैं। इस राशि के जातक किसी भी संकट से आसानी से पार हो जाते हैं। इस राशि के जातकों को भगवान शिव की नियमित आराधना करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे इनका भाग्य मजबूत होता है और ये अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। कुंभ राशि। मकर राशि की तरह ही कुंभ राशि भी शनि के स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए इस राशि के जातक भी महादेव को अत्यंत प्रिय होते हैं। ये लोग ईमानदार होते हैं और समाज के हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए इन्हें मान सम्मान सब प्राप्त होता है। इनके शुभ कार्य करने के कारण इनका भाग्य और भी ज़्यादा प्रबल होता है। कुंभ राशि को जातकों को नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कष्टमय समय भी आसानी से पार हो जाता है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।